थोड़ा सा तुम्हारे पापा की शक्ल पे ही दिख रहा था वो मेरी मस्त बजाने वाले हैं। मेरे डैडी ने तुमसे जिस तरह से बात की उसके लिए हम सॉरी। इसमें गलत क्या है? कोई बाप नहीं कहेगा कि आओ दिलवाले और दुल्हनिया ले जाओ। तुम्हारे पिता ने जो किया बिल्कुल सही किया। थोड़ा सा सख्त है। और मैं बुरा क्यों मानूं? मैं कौन सा तुम्हारा आशिक हूं? मेरी एक फिलॉसफी है, मैं हैप्पी सिचुएशन में हमेशा हैप्पी रहता हूं। जिंदगी में पहली बार नफरत झेल रहा हूं, ठीक है, इसमें भी मजा है। अरे क्या हुआ, दुखी क्यों हो रही हो? देखो मेरी गर्लफ्रेंड को मुंह लटकाने का हक नहीं है। कम ऑन चीयर अप। एक बात जानती हो, मेरे पापा हमेशा कहते हैं मैं पूरी इंडिया में सबसे एलिजिबल बैचलर हूं। मैं हूं ही कुछ ऐसा, तुम्हें क्या लगता है? हाँ सही है, आगे आगे देखो होता है क्या। क्या यार, मैंने तुम्हारे चेहरे पर हंसी लाई, थैंक्स नहीं कहोगी क्या? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में नो सॉरी नो थैंक यू। क्या बात है, बड़ा डेवलपमेंट है, गुड गुड। अब ये बताओ, मैं सबसे मिल चुका हूँ पर वो कहाँ है? वो कौन? जिस टेढ़े को मैं यहाँ सीधा करने आया हूँ, तुम्हारा होने वाला पति। क्या काम है बे? जैसा सुना था वैसा नहीं है तू, काफी हैंडसम है। अबे तो है कौन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं, तुम्हारी होने वाली बीवी का होने वाला पति। भूमि, ए, बड़ी गलती कर दी तूने। यहाँ आने से पहले मेरे बारे में पूछ लेना चाहिए था। लोग अक्सर मेरे बारे में पूछा करते हैं, मुझे किसी के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। भूमि के घर कदम रखते ही मुझे पता चल गया था तुम अपना जोर आजमाने के लिए यहाँ जरूर आओगे। तुम तो नहीं आए, इसीलिए मैं खुद तुमसे मिलने आ गया। अब जरा ध्यान से सुनो, भूमि को भूल जा। जानता हूं थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन ट्राई करना, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। भूमि चल। छोड़ दो मुझे। देख, मुझे शहर का कमजोर लड़का समझने की गलती कभी मत करना। मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं, मैं अंदर से बहुत टेढ़ा हूँ। अगर भूमि के बारे में ख्याल में भी सोचा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने मुझे क्यों रोका? मैं इसे जिंदा जला देता। अब तक हमने जो किया है तुम्हारे होने वाले ससुर से छुप कर किया है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सबसे निपट लूंगा। अब क्या चाहिए, आपको तो सिर्फ अपनी पोती की पड़ी है और यहाँ इस नकली दामाद के ऊपर उस गुंडे की तलवार लटकी है। अरे दादाजी, मैं डर गया था, अगर बेटा तुम यहां ना आते तो भूमि की जिंदगी का क्या होता? मेरी फूल सी बच्ची, हम सब ने मिलकर इस बिन मां की बच्ची को पाला, लेकिन उसकी मां कोई नहीं बन सका। भूमि ने अपने नाम की तरह कई दुख अपने सीने में ही दबा कर रखे हैं, वो किसी को कुछ नहीं बताती। यहां आने से पहले उसने घर के सब लोगों के बारे में मुझे बताया, लेकिन उसके बारे में आपने बताया। इस घर में इतने सारे लोग हैं पर आपकी बात पे कोई ध्यान क्यों नहीं देता? अरे भानु का दबदबा इतना ज्यादा है, सबकी बोलती बंद रहती है, उसके सामने कोई नहीं बोलता, क्योंकि बोलने का कोई मतलब तो है नहीं। पर इसमें गलती मेरी है, तुमने वो पुल तो देखा ही है बेटा, दोनों गांव के लोगों के मन में बहुत नफरत है और उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। भानु और शिव की माए अलग हैं पर बाप एक है और वो शख्स मैं हूं। फिर तो दोनों भाई हुए। अब छोड़ो यार, कहां भूमि के बारे में बता रहा था, कहां अपनी पुराण ले बैठा। अरे उस सबको कचरे के डब्बे में डालो। अरे वो तुम्हारे पापा तो एक क्लर्क है ना, और तुम सब झोपड़पट्टी में रहते हो, माचिस के डिब्बे जैसे घरों में। हैं? इसे देखा कितना बड़ा महल है ये, हैं?
मैंने बनवाया है इसे, तुम्हारा जब तक मन करे रहो और मजे करो। अरे हाँ, ये 500 रख लो। बेटा नकली हुए तो क्या हुआ, दामाद तो 500 की बोनी तो तूने कर ली, अब क्या हमारी पूरी जायदाद ऐंठना चाहता है? क्यों हवा निकल गई? उधार के दामाद जी, तुम्हारे और दादाजी के बीच में जो खिचड़ी पकड़ी है सब जान चुका हूँ मैं। सुनो तो, पापी पापी पापी, मुझे छूने से पहले हाथ धोए थे। भैया, हाँ भैया, ये वॉच इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड वॉच है इसलिए मेरे हाथ पे सूट कर रहा है। ये 2.5 ग्राम का हाथ पड़ेगा ना, तेरी बोलती बंद हो जाएगी। जरा सोच, अगर मैंने ये सारी बात मामा जी को बता दी तो तेरा क्या होगा? ये रख दीजिए, मैं कल क्या पहनूंगा? मेरे दोस्त की है। एक मुक्का मारूंगा तो अंडरवेयर पहनने के लायक भी नहीं रहेगा। सॉरी भैया। हाँ, जो भी तेरे पास है सब मुझे दे दे। अब जो पहना है वो भी उतार दूं क्या? क्राइम मास्टर गोगो को जानता है, तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। साला कितने दिन रहेगा पता नहीं, लाली पाउडर लाया है। याद रखना मामा जी तुझे सुबह का सूरज भी देखने नहीं देंगे। तू तो वैसे भी आरती चढ़ने वाला है, मेरे को दे दे, जो भी है सब कुछ देके जा तू मुझे। ये तो गया। सो रहा है, पिकनिक पर आया तू? मेरा बैग पैक किया कि नहीं? बड़े भैया, रात को देर तक शूटिंग कर रहा था। अंधेरे में कौन सी फिल्म बनाई? पुराने देवदास की आशिकी। मुझे ले लेता, शक्ल इतनी भी बुरी नहीं इस है। इस फिल्म के देवदास तो आप ही हो। मुझे शूट किया, मैं इतना हैंडसम जो हूँ? चलो किसी को तो कदर हुई, अब इंतजार नहीं होता। चल चल दिखा दिखा। ये सब तुम अपनी अम्मा को जाकर दो। जान तुम भी ना, मेरे हाथ एक बकरा फंसा है, जैसे ही मामा जी आ जाएंगे उन्हें सारी बात बता दूंगा, फिर तो तुम्हारा मेरा चलता ही चलता है। ओ मेरी शीला, तू वर्त की जवानी। ये रिश्ता तेरे सब कपड़े में इम्पोर्टेड वॉच है, संभाल के रखना। क्यों रे, मेरी शूटिंग करके रियलिटी शो बनाने वाला था? अब ये क्या है? सीडी है, जो उसमें था वो इसमें भी है। 50-60 कॉपियां हैं। पूरे गांव में बांटने वाले थे क्या? सॉरी। चिट्टी के गुब्बारे में से तो हवा ही निकल गई। कहां-कहां से हवा निकली है बता नहीं सकता हूं, पूरा टाइम टाइम फिश। क्यों भैया, घूसा मारो, मेरी हड्डी पसली एक करो। मेरी आंखें निकाल कर गोटियां। अरे मेरी गोटियां तुम्हें दूं क्या? मेरी नाक फोड़ कर खून। अरे भूल जा मेरे बाप, सब भूल जा। चांद पट्टी झड़ गई बगल के बाल के साथ। सुन चिट्टी, बोलिए ना। अगर गलती से भी मिस्टेक हुई हा? और तूने मेरी ये पोल खोल दी ना हा? तो ये ठरकी देवदास की फिल्म पूरे गाँव में रिलीज कर। आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये जो राज है ना, मेरे छाती फेफड़े लंग्स के अंदर ही रहेगा। मामा जी आ गए, गाड़ी में से सामान निकालो। मामा जी हमारे जो मेरी नैया डूब चुकी है। भूमि, भूमि जल्दी ऊपर आओ। भूमि, भूमि, ए भूमि, भूमि। मैं इसलिए चिल्ला रहा था ताकि उन्हें लगे कि हम दोनों प्यार में पागल हैं, ठीक है ना? प्यार का पता नहीं पर तुम पागल हो। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पर तुम्हारी दोस्त तो मुझे हमेशा ऐसे ही बुलाती है। बापू, उसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। भूमि, हाँ? तुम पर ये लाल रंग अच्छा है, जचता है। थैंक्स, अब चलो। पेड़ में चूहे कूद रहे हैं। भाई आगे नाश्ता लाओ। क्या रे, बुला रहा है या डरा रहा है? इस डर में भी प्यार छुपा है भैया। बैठ जा। ये लो, ये दोनों तुम्हारे लिए। एक और। ये प्लेट तुम्हारे लिए नहीं है, घर वालों के लिए है। ये महालक्ष्मी बुआ है, इनकी थोड़ी तारीफ कर दो, बहुत खुश हो जाती हैं। जरा सुनिए, आप अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, पर भूमि तो किसी और की तारीफ कर रही थी। वो किसकी तारीफ कर रही थी? उनका नाम शुरू होता था कुछ महा महालक्ष्मी। हाँ हाँ करेक्ट। क्या छोड़िए, खाना आप बनाए और तारीफ महालक्ष्मी की करो। और क्या कहा बताओ ना। प्लेट बदल दी। कहा तो उसने बहुत कुछ है, कोई और मुझे पसंद करे या ना करे, महालक्ष्मी जरूर पसंद करेंगी। पता नहीं कितना सच है। एक बात बोलू? आप फिसलना नहीं। हाँ कहिए। तो महालक्ष्मी ना मैं हूँ।
महालक्ष्मी, महालक्ष्मी आप ही हैं। हाँ। ए भूमि, कैसी बेवकूफ लड़की है, आपसे काम करवाने की उसकी हिम्मत कैसे। मैं मर जाऊं। अरे बैठो बेटा बैठो। क्या हुआ कृष? अरे तू जा, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने पुरुष देखा, महापुरुष देखा, सब कुछ देखा, पर तुझ जैसा कमीना नहीं देखा। क्या कहा? मतलब क्या बंदा है रे तू? क्या हुआ? देखो, चाहिए किसी को पसंद हो ना हो, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना हो। कृष बाबू, मैं तुम्हारे लिए दो पराठे लाती हूँ। हाँ। ये बैल अब बूढ़े हो गए हैं, किसी काम के नहीं है, बताइए अब इनका क्या करें। सालों से ये हमारे परिवार का साथ दे रहे हैं, यहाँ तो ऐसे भी हैं जो कोई काम के नहीं है, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं। वो रह सकते हैं तो ये बैल क्यों नहीं। भाई साहब, ये हमें खरी खोटी सुना गया। आदत पड़ गई है, क्या तुम उसकी बात मानकर चले जाओगे? मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। दशहरे का त्योहार नजदीक आ रहा है। अरे वाह, कितनी बढ़िया जगह है, यहाँ आराम करता हूँ। ओए, यहाँ क्यों आया, निकल। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, बाद में मैं भी तो आप ही की तरह यहाँ रहने वाला हूँ। चलो मिल बांट कर खाते हैं। यही रहोगे? क्यों नहीं भैया, मैंने आप ही से तो सीखा है, घर जमाई बनूंगा। अब क्या करें? अगर ये आया तो ये स्टार दामाद बनेगा और हम एक्स्ट्रा। कोई रास्ता निकालो ना, उसको फंसाते हैं। पर कैसे? समय ही बताएगा। सुनो दामाद जी, यहाँ हम ही हैं जो आपको समझते हैं, हमारी खूब पटेगी, हमारे साथ रहना। मानो लाख मना करने के बाद भी ये यही भी बैठ गया। जब ये पूंछ हिलाता तुम्हारे बीच जा बैठा तभी मैं समझ गया था, संभल कर रहना। ठीक है, समझ गया। बेटा कृष, इसकी बातों को तुम दिल पर मत लेना। ओए, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं दादाजी, ये बहुत छोटी मोटी बात है, याद रखिए काम पूरा करके ही जाऊंगा। बैंड बजा दे। अरे पापा का फोन। बेटा अभी कहाँ तुम? साउथ अफ्रीका में हूँ पापा। सुन कृष, वहाँ का नेशनल सफारी और जू देखना ना भूलना, अलग अलग तरह के जानवर है वहाँ जिन्हें तुमने एक साथ कभी नहीं देखा होगा। मुझे भी देना यार। पापा आप सही कह रहे हैं, मैंने इतने सारे जानवर पहली बार देखे हैं, रिश्तेदार, आई मीन चिंपांजी। चिंपांजी, आई एम मिसिंग यू मैन। मिस यू टू पापा, बाय। मेरे पापा इस गलत फहमी में है कि मैं वर्ल्ड टूर पे हूँ और तुमने मुझे गांव का टूर भी नहीं कराया। सॉरी, बस 5 मिनट, अभी ले चलती हूँ। जहाँ तक नजर जाती है पूरी जगह हमारी है। अगर मैं यहाँ तुमसे शादी करने और तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने आया होता तो सिर्फ तुम्हारे बाप को नहीं किसी के भी बाप को बुरा लगता। क्रिश, तार का रस पियोगे? अब मुझे पता चला तुम्हें किट्टू इतना प्यारा क्यों है। बताओ क्यों? तुमने देखा नहीं, जब उसे डर लगता है वो खोल में अपना सिर छुपा लेता है और वो तब खुश होता है जब उसके आसपास कोई नहीं होता, तुम्हारी तरह। अबे ओए, जितना घूमना है घूम ले कमीने, तू अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। क्यों भाई, शादी करके विदा कर दोगे क्या? बुढ़ा बीच में आ गया इसलिए बच गया, वरना तेरी माँ फेंक कर देता। साला सुधरेगा नहीं, यहाँ लड़की है गाली नहीं देते। एक बात बताऊं तुझे, मर्द वही होता है जो जब चाहे कुछ भी कर दे, अगर मैं चाहूं ना तो बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे भूमि, चल।